ये दुनिया सारी आपके संकल्प पर, जो देखना चाहो वो दिखेगा, जो नहीं देखना चाहो नहीं दिखेगा। एक बच्चे को सपने में डर लगता था रात को। क्यों डर लगता था? शेर आ जाता था और वो उसको डराता था सपने में। बच्चा कांपने लगे, रोने लगे, उठ के बैठ जाए, फिर सोए ही ना, मैं सोऊंगा तो शेर आ जाएगा। माँ बाप बड़े परेशान हो गए, एक साइकेट्रिस्ट के पास ले गए। साइकेट्रिस्ट भी बहुत अच्छा था, मेडिसिंस पे बिलीव नहीं करता था, काउंसलिंग पे ज़्यादा बिलीव करता था। बात की बच्चे से, बेटा प्रॉब्लम क्या है? कहने लगा ये प्रॉब्लम है मुझे, रात को डर लगता है सपने में, शेर आ जाता है। साइकेट्रिस्ट कहने लगा बेटा सिंपल सी बात है, अगर आप शेर से दोस्ती कर लो, हैंडशेक कर लोगे, फिर तो आप फ्रेंड्स हो जाओगे ना, फिर तो वो कुछ नहीं कहेगा आपको। बच्चा रात को सोया, फिर शेर आ गया। बच्चे ने उससे हैंडशेक किया, बात किया, दोनों फ्रेंड्स हो गए। अब बच्चा रोज रात को इंतज़ार करता था, जल्दी रात होए मैं सोऊं, मैं अपने फ्रेंड शेर से मिलूंगा। चेंज हो गई बुद्धि? ऐसे है ये हिसाब किताब। जिस चीज का जो रूप आप बना लोगे और दिमाग में बिठा लोगे, आपको वो दिखने लगेगा। अगर आप उसी में कोई चेंज ले आओ अपने ख्याल से, तो फिर वही सीन है, वही सब कुछ है, लेकिन आपके अंदर के विकार सारे चले गए। ना डर रहा, ना बात रही, ना ख्याल रहा, कुछ भी नहीं रहेगा। इंसान अपने ख्यालों से अपनी सृष्टि रचता है और अपनी सृष्टि में वर्तता है।